बुरहानपुर जिले के जम्बूपानी गांव में पंचायत स्तर पर शराबबंदी के खिलाफ एक सराहनीय पहल की गई है। बता दें कि जम्बूपानी गांव में पंचायत स्तर पर शराबबंदी का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच लाल सिंह पटेल ने गढ़ी सराय पांढरी और खेड़ा गांव में शराब बेचने और सेवन करने वालों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। इसके तहत ही शराब बनाने या बेचने की सूचना देने वाले को 2,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है। वही सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। हालांकि इस पहल का सकारात्मक असर अब दिखने लगा है क्योंकि गांव में अब शराब की बिक्री और सेवन पूरी तरह बंद हो गया है। ऐसे में सरपंच लाल सिंह पटेल का कहना है कि इस कदम से न केवल परिवारों में शांति लौटी है बल्कि नशे की लत से लोग मुक्त हो रहे हैं। इस प्रयास की थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने भी सराहना की है और इसे अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणादायक बताया है। हमारे गांव में निर्णय ये लिया गया था, दहेज के बारे में बैठे थे बैठक, उसमें हम दारू बंद करने की लागू करें, उसमें से हम दारू बंद करवा दिए। मीटिंग रख के पूरे पंचों मिल के बाल बच्चे सहित पीना शुरू कर दिए थे। भाइयों को बहुत परेशानियां भी आ रही थी, कोई कोई आदमी भाइयों को परेशान भी करता था दारू पी के, और बच्चे दारू ले लेके बाहर जा जा के पीते थे। इसके लिए हम निर्णय लेके ना पूरे पंचों मिल के दारू बंद करवा दिए, और जो उसके मन से कभी बेचेगा तो उस पर 21,000 रुपये जुर्माना रखे गए, यानी जो सही पता लगाएगा तो उसको 2,000 रुपये इनाम दिए जाएगा। पूरी तरह बंद है दारू? पूरी तरह बंद है। आज तक 15 दिन हो गए, आज तक यहाँ दारू दिखी नहीं, दिखा भी नहीं दारू पिया हुआ। थाने में उन्होंने हमें सूचित किया है कि वो वहाँ के एक बुजुर्ग सरपंच हैं लाल सिंह, उन्होंने लिख के दिया है अपने लेटर हेड पे कि हमने अपने गाँव में शराबबंदी लागू की है। जुर्माने की राशि के बारे में उसमें उल्लेख उन्होंने जरूर नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को जो अपने जीवन शैली के लिए नियम कानून और बनाने का जो अधिकार होता है परंपरागत उनका, उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है, और ये निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। वो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ का वो गाँव है, और शराब एक व्यसन के रूप में जरूर उनको नुकसान पहुँचाती है। हमारा विभाग भी नशाबंदी के लिए पूरी तरह से शुरू से प्रयास कर रहा है, समय समय पर हम भी उनसे संपर्क करते रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा उनका प्रयास है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। इससे दूसरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, और दूसरे भी अगर ऐसी सीख ले कि ऐसा कदम उठाते हैं दूसरे गाँव में, तो वो भी निश्चित रूप से स्वागत योग्य रहेगा।